हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा होगा कि इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा जो ब्लॉक पाइप होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा बाथरूम का वेस्ट पानी निकलने वाला, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको अपने एक जुगाड़ तरीके से किस तरीके से खोल सकते हैं। मतलब वो अंदर कहीं कचरा जम जाए, उसके पानी ना उसमें से जा रहा हो, हमारे बाथरूम में फ्लो हो रहा हो उसका, तो उसका हम किस तरीके से समाधान करेंगे अगर आपकी पाइप ब्लॉक हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, पूरी ट्रिक बताऊंगा, कोई भी अपने घर में ये तरीका अपना करके इस ब्लॉकेज पाइप को खोल सकता है। तो गाइस, इस ब्लॉकेज सिस्टम जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा, वो मैंने एक पाइप लेके रखी है और साथ में दो नैन ट्रिप लगा करके एक लंबा पाइप तैयार कर लिया और इसके आगे हमने एंड कैप लगा दिया। मान के चलो एंड कैप नहीं, एंड जो कचरे की जगह पे हमने एंड कैप लगा दिया। तो मैं आपको अभी दिखाना जो शुरू करूँगा, और पहले गुजारिश है जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने हमने एक ये लेंथ आगे लगा रखी है और यहाँ पे हमने टी यूज़ की है और नैनी ट्रिप लगा करके इसका 110 एम का पाइप लगा दिया, और उसके बाद हमने आगे जो टी का दूसरा हिस्सा वहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया, आप देख सकते हैं। तो गाइस, इसकी हम ब्लॉकेज किस तरीके से निकालेंगे, जो इसकी ब्लॉकेज किस तरीके से खोलेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पाइप हमारा कहाँ से ब्लॉक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या किया कि अगर देखो, अगर हमारा ये अकेला ब्लॉक है तो हमने क्या करना है, इसमें अकेले में पानी डालना है। पानी डाल करके उसके बाद हमें एक मोटा कपड़ा लेके इसके ऊपर रख के इसको प्रेशर देना है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे इसमें हमने पाइप लगा दिया और ये पानी चल पड़ा, शुरू हो गया पानी हमारा, ये देखिए, और यहाँ से पानी शुरू हो गया। तो यहाँ पानी भर, यहाँ पे हमारा नैनी ट्रिप पूरा भर चुका है, पूरा कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से ब्लॉकेज खोलेंगे, तो इसका हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा पाइप ये ब्लॉक है, तो अगर यहाँ से ब्लॉक हुआ तो ये पानी हमारा घूम करके यहाँ तक इसका लेवल बराबर हो जाएगा, इसका और इसका जो लेवल है पानी का बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो अगर अगर ये मतलब अगर यहाँ से ब्लॉक है तो आगे से ब्लॉक हो तो इसका पानी का जो लेवल है बराबर होगा। अगर अकेला यहाँ से ब्लॉक है तो यहाँ पे पानी डालते समय ये ऊपर तक भर जाता है, तो समझो कि इतने ही टुकड़े में, मतलब वो जो अगर हमने जो कोई भी बाथरूम होगा उस तरीके की उसकी ड्राइंग हमारे दिमाग में पहले से बन जाती है। अगर कोई भी प्लम्बर काम करने जाता है ऐसा, तो उसके दिमाग में पहले ही ड्राइंग तैयार हो जाती है, क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे टी पॉइंट लगा होगा, क्या होगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया, मान के चलो हमारा पाइप यहाँ से ब्लॉक है तो हम यहाँ पे पानी भरते हैं तो यहाँ भी बराबर होता है और यहाँ भी बराबर होता है। तो इसको किस तरीके से ब्लॉकेज खोलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। कि इसको हमने पहले से पानी से भर लिया और एक कपड़ा लिया हमने, कपड़ा को पूरा टाइट करके, जैसे टाइट करके इसके अंदर पूरा टाइट कर देंगे, जो यहाँ पे इसका जो होल है नीचे वाला उसमें हम टाइट कर देंगे इस कपड़े को। कि इससे मैं आपको भी समझाऊंगा भी किस लिए कर रहा किया जा रहा है। जैसे ये हमने टुकड़ा लगा के इसमें ये हमने कपड़ा लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा पाइप यहाँ से ब्लॉक होगा तो दो पॉइंट हमारे होंगे, और मैं अभी यहाँ पे क्या सिस्टम करूँगा कि वैक्यूम बना के दिखाऊँगा प्रेशर। तो प्रेशर किस तरीके से बनेगा, अब मैंने फिर से पानी शुरू कर दिया, यह देखिए, और देखिए यहाँ से बंद है तो हमारा यहाँ से पानी घूम करके इसमें आएगा, यहाँ से पानी बंद करिए, ये हमारा नैनी ट्रिप है जो यहाँ तक भर चुका है, तो यहाँ भी पानी भरना शुरू हो चुका है। तो इसको हम किस तरीके से खोलेंगे, जैसे वहाँ हमने आगे नैनी ट्रिप के वो वहाँ पे हमने एंड कैप लगा रखा है, तो मैं आपको अभी वैक्यूम बना करके दिखाता हूँ। ये हमने दो कपड़े लिए, आप कोशिश करना कि जो कपड़ा लें आप हार्ड कपड़ा लें, अगर आप हार्ड कपड़ा लेंगे तो आपका वैक्यूम अच्छा बनेगा, क्योंकि प्रेशर बन जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। और ये हमने यहाँ से किया, और आप ध्यान रखना ये हमने डंडे के साथ इसको नीचे को ठोकना, और वो देखो वहाँ से हमारा एंड कैप निकल चुका है, वो हमारा पानी चल गया। क्योंकि हमने क्या किया था कि इस पाइप के अंदर पूरे अच्छे तरीके से प्रेशर तैयार कर दिया था, जो भी आपने वहाँ से देखा एकदम एंड कैप निकल चुका है, आप देख सकते हैं।
हमारा वो एंड कप यहाँ से निकल चुका। अगर हम क्या करते कि इसमें हम कपड़ा ना लगाते, यहाँ से सिर्फ ओनली पाइप में पानी डाल करके यहाँ से वैक्यूम प्रेशर बनाते तो पानी हमारा यहाँ से बाहर आ जाता, यहाँ से बाहर आ जाता, फिर वो काम नहीं करता, हमारा ब्लॉकेज नहीं खुलता। अगर हमारा ब्लॉकेज खोलना है तो हमारा ब्लॉक यहाँ पे है, पानी हमारा इस एरिया में भर रहे हैं, प्रेशर हम इस पाइप से मार रहे हैं तो यहाँ से ही निकल के यहाँ से प्रेशर हमारा बाहर हो जाता। तो अगर हमारा इतना टुकड़ा ब्लॉकेज है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से नैनी ट्रिप यहाँ से ब्लॉक है, तो यहाँ से अगर ब्लॉक है तो यहाँ से हमने ओनली एक प्रेशर मारेंगे तो यहाँ का कचरा निकल के बाहर चला जाएगा। अगर इतने टुकड़े इतने पीस में हमारे कोई ब्लॉकेज है, अगर वहाँ से हम प्रेशर मारेंगे तो यहाँ से प्रेशर बन के हमारा पाइप पानी जो बाहर निकल जाएगा, मतलब कचरा निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगी तो इन दोनों को पूरे अच्छे तरीके से बंद करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी किस तरीके से बंद किया था, आपने अभी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से कपड़ा टाइट करके नैनी ट्रिप के होल के पास लगा दिया कि अगर हम यहाँ से प्रेशर मारेंगे तो यहाँ का हिस्सा जो यहाँ पे कपड़ा लगाया वो बाहर ना निकले, सिर्फ इसीलिए कपड़ा लगाया गया था। सो गाइस, अभी मैंने इस पाइप से आपको प्रेशर मार के दिखाया था कि यहाँ से पाइप हमारा ब्लॉकेज खुल जाता है। अब मैं आपको यहाँ इस नैनी ट्रिप से दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो ब्लॉक है ही नहीं, ब्लॉक है हमारा ये पाइप जो कि हमने एंड का वहाँ पे लगाया है। तो आपको मैं अभी ये भी प्रेशर फिर से मार के दिखाता हूँ, ये हम फिर से इसको पानी जो इसमें पानी भरेंगे पाइप के ज़रिए, ये देखिए इसमें हम पानी भरना शुरू कर रहे हैं। तो गाइस जहाँ पर हमारा पाइप ब्लॉक होगा वहाँ तक हमारा पानी कंप्लीट भर जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने हम पानी भर रहे हैं, ये देखिए ये हमारा पाइप जहाँ से ब्लॉक होगा वहाँ तक भरेगा, क्योंकि हमने एंड कैप लगाया तो मान के चलो ये वहाँ वहाँ तक ब्लॉक है पाइप, तो ये हमारा एंड कैप भरने वाला है, ये कंप्लीट पानी इस पाइप में भर जाएगा, उसके बाद इसमें भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, इस जगह पर नहीं है, ब्लॉकेज वहाँ आगे है। तो गाइस इसमें हम पानी भर रहे हैं जो कि कंप्लीट पानी भर जाएगा, उसके बाद इसके हम ब्लॉकेज खोल के दिखाएंगे आपको। भाई पानी भर चुका है, ये देखिए ऊपर से पानी आ गया। तो अब इसका हम ब्लॉकेज किस तरीके से खोलेंगे, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, ये पानी दिख रहा है आपको। अब इसका फिर से हम प्रेशर मारेंगे, आप उस जगह पर ध्यान रखना क्योंकि पाइप ये ब्लॉक है, तो हम किस तरीके से खोलेंगे क्योंकि इसमें हमने कपड़ा पूरे अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कपड़ा लगाया और ये हमने लकड़ी ली और 1 2 यहाँ से हमारा प्रेशर बाहर निकला है जो कि पाइप ब्लॉकेज नहीं खुला। तो अब हम फिर इसको क्या करेंगे, फिर से हम कपड़ा सेट करेंगे, जो कपड़ा यहाँ पे सही नहीं है उसको सही करेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है, जो हमारा यहाँ पे कपड़ा कम था, तो इसको हम किस तरीके से देखिए मेजर करेंगे, ये देखिए हम क्या करेंगे उस जगह पे कपड़ा जो ज़्यादा कर देंगे, जो कपड़ा कम है क्योंकि यहाँ कंप्लीट पानी से भरा है सारा कुछ। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से पानी ऊपर को निकल रहा है क्योंकि यहाँ से वैक्यूम जो प्रेशर बन रहा है पूरा काफ़ी तेज़। और अब फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से फिर से प्रेशर मार के कि प्रेशर से कुछ हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कपड़ा थोड़ा सा कम है। मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो कपड़ा हमारे पास थोड़ी सी कमी है कपड़े की, तो इसको हम एडजस्ट करके सेट करेंगे। और ये देखिए अब ये इस कपड़े को हम उसी जगह पे फिर से उस जगह से बंद करेंगे, ये देखिए अब हमने यहाँ पे इस जगह पे फिर से रेडी कर दिया। तो अब हम फिर से जो प्रेशर देकर देखेंगे, जो प्रेशर होगा हमारा ये डंडा, तो
आप वहाँ पे ध्यान रखना, फिर से देखते हैं यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कचरा ज़्यादा होगा तो आपका कपड़ा बार बार निकलेगा, तो हमने वो हैंड कैप थोड़ा सा टाइट रखा है, तो देखते हैं उसको इस प्रेशर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। वो देखिए गाइस, हमारा हैंड कैप निकल चुका है। तो गाइस, अगर आपने ब्लॉक पाइप को खोलना है तो ये तरीका अपनाओ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और घर बैठे ही अपना पाइप अच्छे से खोल सकते हो। अगर आपके बाथरूम के अंदर मान के चलो भी एक पॉइंट है हमारे वॉश बेसिन का और एक है हमारे बाथरूम ड्रेनेज का, दो पॉइंट होंगे, तो दोनों पॉइंट को आप बंद करके, मतलब एक पॉइंट बंद करके ऊपर से उसके इसी तरीके से प्रेशर दे दोगे तो आपका पाइप खुल जाएगा। मैं गारंटी से देता हूँ कि आप इस तरीके से पाइप खोल सकते हो। अगर आप दूसरे तरीके से लगते हो, वो वैक्यूम स्पेशल होता है रबर रिंग वाला, उससे आप इतना बेनिफिट नहीं पाओगे, क्योंकि देना प्रेशर ही है, चाहे आप वो ले आओ चाहे इस तरीके से कर लो। ये आपका घर का सीधा जुगाड़ है और जो वैक्यूम वाला वो स्पेशल होता है। बट ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी डाउन में डला होता है और ये वाला पाइप तो ये छोटा है कि यहाँ के पाइप काफ़ी बड़े बड़े लगे होते हैं, तो यहाँ का जो वैक्यूम होगा ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ का अगर ऊपर से यहाँ से जैसे टुकड़े को, जैसे मान कर ये टुकड़ा है, यहाँ से हमने कपड़ा टाइट करके लगाया और यहाँ का सारा प्रेशर एकदम उस कचरे पे जाके लगेगा, तो ऑटोमेटिक ब्लॉकेज खुलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर नहीं आपको समझ आई तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ज़रिए से भी समझा दूँगा। तो गाइस, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँगा। अगर समझना चाहते हैं इस चीज़ को व्हाइट बोर्ड के ज़रिए से किस तरीके से ये काम किया गया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे फिर मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर हमारे तीन से ज़्यादा चार पॉइंट है, जैसे ये दो पॉइंट थे, दो के जरिए तीन होते, तीन के जगह चार होते, तो उसकी ब्लॉकेज किस तरीके से खोली जाती वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो नैनी ट्रिप का यूज़ किया और एक टी पॉइंट का यूज़ किया, आगे हमने एंड कैप लगा दिया था। मान के चलो एंड कैप वहाँ लग गया चाहे यहाँ पे कचरा हो गया, बात सेम है, चाहे हमारा इस टुकड़े में एंड कैप लगा दें चाहे इसको लगा दें, वो कचरे के समान ही मान लो, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक कर देते चाहे वहाँ पे ब्लॉक कर देते, जो ब्लॉकेज तो इसी पाइप की खुलेगी, ना कि इस पाइप की, ना कि इस पाइप की, क्योंकि ये पाइप यहाँ से ब्लॉक नहीं हुए थे, हमारा ये एक बड़ा पाइप मेन पाइप ब्लॉक हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक और करना जो भी भाई वीडियो देख रहा है, लाइक करके, अगर आप लाइक करते हो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।